जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा सहित अन्य न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि शनिवार को लगाए गए लोक अदालत में कुल 2,64,116 मामले आए, जिसमें 2,25,000 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय द्वारा 26 व मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गोरखपुर के लिए गठित पीठ द्वारा 105 वादों का निस्तारण करते हुए 3,89,63,500 रुपये प्रतिपूर्ति अवार्ड पारित किया गया। अस्थायी लोक अदालत के चेयरमैन द्वारा तथा उपरोक्त फोरम के अध्यक्ष द्वारा वादों का निस्तारण किया गया। समस्त न्यायालय द्वारा कुल 26,096 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 2,21,18,238 रुपये वसूला गया। वहीं राजस्व वन विभाग द्वारा 1,07,144 वादों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, स्टेट को आमंत्रित करूंगा कि वो माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति को कराने का कष्ट करें। प्रभास त्रिपाठी से अनुरोध है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को मंचासीन कराने का कष्ट करें। न्याय मजिस्ट्रेट विराज त्रिपाठी से अनुरोध है कि वो पीठासीन अधिकारी मंचासीन कराने का कष्ट करें। साथ ही न्याय मजिस्ट्रेट राहुल आनंद से निवेदन है करें, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाए। धन्यवाद सर। कपूर आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय एवं आदरणीय मैडम जनपद लोक अदालत जिला प्रशासन से पधारे, यहाँ हमें इसको निस्तारित करने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज इस अवसर पे मैं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए करें। इसी क्रम में मैं पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष अस्थायी लोक अदालत पर चल रहा अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोरखपुर से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय को बुके देते हुए न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करूंगा, अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत संस्था में अनुरोध करूंगा है। और आज का यह अवसर कोई नवीन नहीं है, यह सतत एक यज्ञ की भांति जारी है। इसका प्रारंभ हमारी देश की आजादी
भारतीय संविधान के साथ साथ इसका आगाज हो गया था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में न जाते हुए बहुत संक्षिप्त में दो तीन बातें आपसे जरूर करना चाहूंगा कि भारत भूमि की सुरक्षा, मातृभूमि की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा विधान है वह है हमारा संविधान। समस्त विधियां, समस्त नियम, समस्त उपबंध, समस्त कानून, समस्त व्यवस्थाएं उसी के अंतर्गत होना अपरिहार्य है। और एक ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान का 39 क जो हमें एक शक्ति प्रदान करता आ रहा है इस देश की आजादी से निरंतर, वह है कि भारत में गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता की वजह से न्याय से कोई वंचित न रह जाए। मैं आपके समक्ष अपनी बात को रखने के लिए अपने को स्वयं समर्थ नहीं पा रहा हूं, परंतु आपको इस विश्वास के साथ मैं अवगत करा रहा हूं कि हृदय में इच्छा है, मन में एक अभिलाषा है, कुछ करने का जज्बा है, तो साहब वो जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विडंबना है कि भारतीय संविधान से शक्तियां प्रदत्त है, उसके अनुक्रम में बहुत सारी विधियां निर्मित हो रही हैं, फिर भी हमें ऐसे अवसरों की आवश्यकता पड़ रही है। कोई भी कानून कागज के सफेद पन्नों पर काली स्याही से लिखा हुआ चंद अक्षर है जब तक वह सही मूर्त रूप में, सार्थक रूप में साकार न कर सके। यह आयोजन इसी के निमित्त एक कड़ी है। Dignitaries of the Dais, Shri Deepak Ji, the Judge of the Commercial Court, Shri Devendra Singh Ji, Principal Judge, Family Court, and all the dignitaries of the Dais, ladies, which includes my wife, gentlemen, which includes my secretariat, they have been kind enough to accompany me, Vijay Jaiswal, प्रवीण, विजय सिंह, सोनी साहब, गौतम सोनी, माय फ्रेंड फ्रॉम इलाहाबाद विजय पांडे जी, द एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच हैज बीन काइंड इनफ टू लुक आफ्टर मी, दे हैव गिवन ऑल द कंफर्ट्स, दे टुक अराउंड मी एंड माय वाइफ थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर यस्टरडे, मिस्टर बिश्नोई द एसपी, our finance, the SDN finance, and so many others, and most importantly, judicial officers, present who are working, as well as our retired judicial officers, Mr. Pandey, Mr. Ever since I reached Gorakhpur yesterday evening, I have been feeling very I have a feeling that I have been loved, I have been welcomed. Mr. Tiwari, the district judge here, has not left any stone unturned to see that my wife and myself feel comfortable. Mrs. Tiwari included, she
she has also left no stone unturned, no string unpulled, left no string unpulled, and let me add, no cutlet uncooked, to see that we are well looked after. In the morning, my wife said that you are not a very good orator, go with a prepared speech. But after I have come over here, and after I have felt the love that you have given to me, I felt that I should go a bit away from the prepared speech. The children who performed, definitely they have put in a lot of hours, days and weeks to come up with the wonderful rendition. The school, I'm not seeing the teachers. I would like to specially thank them. Children are not easy to manage. We have also had children who have grown from that age and are now reached an age when they have become lawyers and all that. But still, children are not easy to manage. The teachers must have really worked hard. I'm also not seeing the law students who performed the last drama. We are really thankful for that. आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 14/5/2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बासगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक सम्मनीयवाद धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएँ, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वादों व किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोषवाद, अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर भी मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को वेबसाइट vcourt.gov.in के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं। और कितने अभी तक लगभग जो है दीवानी कोर्ट के जो है करीब जो है 20,000 मामले और बैंकों के करीब जो है 2,000 के मामले और टोटल कुल मिलाकर जो है 2,00,000 के ऊपर लगभग निस्तारित किए जाएंगे होने की संभावना है। और आगे अभी और अन्य न्यायालयों से आना शेष है, अभी उनके डाटा प्राप्त होना अभी शेष है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है।